यह है जेल प्लस मॉडल। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, ये चलता कैसे है, यूज कैसे होता है। ये हमारा पीस ओपन हो गया। यहाँ से सबसे पहले ये चालू हो गया फैन। फैन चालू होने के बाद हम हीटर, वन हीटर, टू हीटर, मूविंग और टाइमर डिस्प्ले है यहाँ आती है। और ये है ऑन ऑफ का स्विच। इस तरीके से हमारा पीस चलता है। अब हम इसको सर्विस करना बताएंगे, कैसे रिपेयरिंग करा जाता है, कहाँ से खुलता है। ये यहाँ पे स्क्रू लग रहे हैं 6। सबसे पहले इनको खोलना होता है। इस तरीके से ये खुल जाता है बैक कवर, बिल्कुल आराम से खोलना होता है। ये है डिस्प्ले कार्ड, इसके अंदर ये है डिस्प्ले कार्ड और ये है पीसीबी कार्ड और ये है डीसी पंखे 2 पीस। ये है ट्रांसफार्मर और ये है ऑक्सिलेटरी मोटर। ऑक्सिलेटरी मोटर को आप यहाँ से भी, न्यूट्रल यहाँ से और फेज यहाँ से निकाल के चेक करके चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर आपका ख़राब होगा तो पीसीबी कार्ड और डिस्प्ले नहीं चलेगी। और फैन ख़राब हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो पीसीबी कार्ड से। और ये है ऑन ऑफ स्विच, इसको भी कंटिन्यूटी से चेक करके चेंज हो सकता है। और ये है सेफ्टी स्विच, यहाँ से आप इसको भी चेक करके, तो ध्यान रखना है ये लगाते समय ध्यान रखना है उल्टा ना लगे, नहीं तो काम नहीं करेगा ये। और ये स्क्रू, 8 स्क्रू होते हैं पंखे के, इसको हम खोलेंगे तो हमारा एलिमेंट जो है बाहर आ जाएगा। वहाँ से हम चेक करके इसको कंटिन्यूटी से चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये रिपेयर होता है, यहाँ से ऐसे निकल के चेंज होता है, फिर हम वापस इसको बंद करेंगे। अब ये सबसे पहले टॉप कवर लगेगा जिसमें डिस्प्ले कार्ड होता है, यहाँ इस तरीके से बैठा के, उसके बाद ये बैक कवर इस तरीके से खड़ा करके, इस तरीके से बिल्कुल आराम से लग जाता है। और लगाने के बाद ध्यान रखना है तार कहीं से बाहर ना दिखाई दे। इसके बाद हम इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे, ये हमारा पीस ओके हो जाएगा।